आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कैटेगरीज है कई सारे अवेलेबल है, मतलब हर बजट में अवेलेबल है और हर रेंज के लिए अवेलेबल है। मतलब राइडिंग रेंज की बात करें यहाँ पे मैं तो, ऐसे में जब भी कोई मिडिल का आदमी लेने की प्लानिंग करता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब हम जैसा या आप जैसा, तो सोचता है भैया अच्छी रेंज मिल जाए, अच्छी कंपनी की मिल जाए, सब्सिडी के साथ मिल जाए और भैया चले काफ़ी अच्छे दूर तक, मतलब 120 से 140 तक। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं एक कंपनी बताने वाला हूँ, मतलब ओकिनावा की वाले बात करूँगा। इसका एक स्कूटर है ओकिनावा आई प्रेस प्लस, जो कि आपको 140 किलोमीटर तक की रेंज देगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आपको इसकी डिटेल पूरी पता चल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग जानना है कि ओकिनावा आई प्रेस प्लस के अंदर कंपनी क्या क्या फीचर देती है और क्या क्या चीज़ के अंदर अवेलेबल है, तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपके स्क्रीन का एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, हाँ यही वाला जो आपके नीचे लिखा है सब्सक्राइब, उसको बस दबा के कलर चेंज कर दो ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग कहो भैया हाँ अच्छा काम हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसीलिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले तो बात करते हैं आई प्लस प्लस के फीचर्स की। तो इसके अंदर कंपनी ने कई सारे शानदार फीचर दिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर फ्रंट असिस्ट और रियर असिस्ट मिलते हैं आपको, और इसके साथ इसके अंदर आपको जियो फेसिंग, वर्चुअल स्पीड लिमिट, SOS नोटिफिकेशन, बैटरी हेल्थ ट्रैकर, ट्रिप डायरेक्शन, GPS, मेंटेनेंस और बीमा रिमाइंडर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं इस व्हीकल के अंदर आपको। इन सब फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले से ओकिनावा का एक इको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप लोग ये सारे फीचर एक्सेस कर सकते हो। और इन सब फीचर के साथ इस स्कूटर के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट, कलर्ड फ्लोर मैट के साथ बड़ा फुट स्पेस, ऑटो कट फंक्शन के साथ माइक्रो चार्जर और RSIM भी शामिल है इसके अंदर। जियो फेंसिंग के जरिए यूज़र 50 मीटर से 10 मीटर तक की रेंज सेट कर सकता है। जैसे ही व्हीकल इस लिमिट को क्रॉस करेगी तो व्हीकल में अलर्ट नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस स्कूटर के अंदर आपको सेंट्रल लुकिंग का भी फीचर मिल जाता है, और इसके साथ इस स्कूटर की जो की है उसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। उसके अंदर लोकेटर स्विच, लॉक स्विच और अनलॉक स्विच, और इस रिमोट के थ्रू आप स्कूटर को ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ डबल शॉकर मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं आपको। ओकिनावा आई प्लस प्लस के अंदर आपको अलॉय व्हील के साथ 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और इसके साथ इसके अंदर आपको 220 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि ऑयल ऑपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इस स्कूटर के अंदर काफी एफर्टलेस ब्रेकिंग लगती है। और ओकिनावा आई प्लस प्लस के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि आप लोग कभी भी ब्रेक लगाओगे तो इसकी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती रहेगी। खड़े खड़े ब्रेक नहीं लगाना, चलाते चलाते ब्रेक लगाना है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ आपको इसके अंदर EABS मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, और इस स्कूटर के ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए हैंडल पर ही इसका एडजस्टर दिया हुआ है। इस स्कूटर के अंदर जितनी भी लाइटें हैं सारी LED लाइटें हैं, और इसकी बॉडी में दोनों साइड आपको DL दिए गए हैं। इसके हैंडल पर ही इंडिकेटर दिए गए जिसमें रेगुलेटर लाइट है। तो अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसको कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन में निकाला है, ग्लॉसी रेड ब्लैक, ग्लॉसी गोल्डन ब्लैक और ग्लॉसी सिल्वर ब्लैक। मतलब ये 3 कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको अगर आप लोग लेना है तो। ओकिनावा आई प्लस प्लस के डिस्प्ले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, जैसे कि ऑडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बैटरी स्टेटस और मोड जैसे कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं। इसके मिडिल एरिया में सामान हैंग करने के लिए हुक दिया हुआ है, और साथ ही सामान रखने के लिए थोड़ा स्पेस भी दिया हुआ है। मिडिल एरिया में ही आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग पोर्ट आपको मिडिल एरिया में मिल जाता है, ताकि आप लोग बिना बैटरी निकाले इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अगर मैं मोटर की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसके अंदर कंपनी ने 1000 वॉट की BLDC हब मोटर दी है, जिसका पीक पावर 2500 वॉट का है। और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये वाटर प्रूफ है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इसे कंपनी ने इसके पीछे टायर पर लगाया है, मतलब पीछे व्हील पे। और इसकी जो मोटर है वो IP65 रेटेड है। अगर मैं बैटरी और रेंज की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसके अंदर कंपनी ने 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी दी है, जिसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 84 वोल्ट का है। इसकी बैटरी का जो टोटल वेट है वो 22 किलोग्राम का है, और ये डिटैचेबल है, मतलब आप निकाल के आराम से चार्ज कर सकते हो। और इस बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग लगभग 4 से 5 घंटे समय लगता है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसकी जो रेंज है इको मोड के अंदर वो 160 किलोमीटर तक की है, और स्पोर्ट मोड के अंदर इसकी जो रेंज है वो 140 किलोमीटर तक रह जाती है। और ये जो दोनों रेंज है ये राइडिंग कंडीशन में डिपेंड करती है, और इसके साथ साथ ये आपके चलाने पर डिपेंड करती है। और अगर मैं आई प्लस प्लस के मोड और स्पीड की बात करूँ, तो इस स्कूटर के अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, इको मोड, स्टैंडर्ड मोड और टर्बो मोड। इस स्कूटर के अंदर आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है, मतलब आप लोग इसको रिवर्स में भी चला सकते हो स्टार्ट करके। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, तो ये स्कूटर इको मोड के अंदर 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है, और स्पोर्ट मोड के अंदर ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है। इसके हैंडल के लेफ्ट साइड में आपको टर्बो स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब टर्बो मोड में एंटर करने के लिए।
जिससे कि इसकी जो स्पीड है वो 83 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाती है। इस स्कूटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 मिलीमीटर का है और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। ओकिनावा कंपनी अपने आई प्लस प्लस के ऊपर 1 साल की वारंटी देती है और इसकी बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है। इसके साथ इसकी मोटर चार्जर कंट्रोलर पर 3 साल की या 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। मतलब इन दोनों में से जो पहले हो जाए वहाँ वारंटी खत्म हो जाएगी। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ आई प्लस प्लस की, तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,05,000 रुपये के आसपास है और इस पर आपको सब्सिडी मिलती है, मतलब सेम टू सब्सिडी के अंदर मिलेगी आपको। तो जब आप इसे खरीदोगे तो इसकी प्राइस थोड़ी और कम हो जाएगी, 1,00,000 रुपये के अंडर में आ जाएगी। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे जो सब्सिडी के साथ आए और अच्छी रेंज प्रोवाइड करे और अच्छे फीचर के साथ आए और अच्छी कंपनी का भी हो, तो आप लोग ओकिनावा आई प्लस प्लस को कंसिडर कर सकते हो कि इस पर आपको सब्सिडी मिलती है, अच्छे फीचर ही मिलते हैं, अच्छी रेंज भी इसकी। मतलब आपके जो डेली रिक्वायरमेंट है, आप चाहे लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो भी फुलफिल कर देगा, और आप लोग उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लेना आपको ही है, चाहे कितना आप कन्विंस कर लो नहीं होगा इसीलिए। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी हो किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके या गाड़ी बाइक को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस चीज़ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ तो भी आप लोग बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के मतलब अपनी रिसर्च करके वो चीज़ भी कर दूँ, ताकि आवन जाओ ना मेल मिलाप बढ़ता रहे। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटिंग लगी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।